यहाँ पर ये मैंने तेल की पेटी या टीना एक लिया है डिब्बा, तो इसे मुझे एज अ साइड टेबल यूज करना है। तो उसके लिए पहले मुझे इसे पेंट करना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे वे में कैसे एज अ साइड टेबल यूज कर सकते हैं, अपने कुछ भी घर पे डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए, इसके ऊपर प्लांट्स रखने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसे पेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ऐसे कोई भी बाल्टी नहीं या ये तेल का टीपा हो, आप उसे फेंके नहीं, इसे हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑयल पेंट का एक डिब्बा लिया हुआ है। आपको जो भी कलर पसंद हो अपने घर के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का ऑयल पेंट लिया है। तो हमें इसे सबसे पहले ऑयल पेंट से पूरा कलर करना है। तो उसके बाद अगर आप चाहें तो इस पे डिजाइन्स भी बना सकते हैं। तो पहले आइए हम इसे कलर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल पेंट ले लिया है। अगर आपका ऑयल पेंट ज्यादा थिक हो तो उस पे आप थिनर डाल के थोड़ा सा पतला कर लीजिए। आप ये देख सकते हैं, ये ऑलरेडी थोड़ा पतला ही है। तो अब हम इसे कलर करना शुरू करते हैं। इसे हमें 2 या 3 कोट करना होगा। पहले आप 1 कोट कर लीजिए, जब ये ड्राई हो जाए तब फिर आप ये इस पे दूसरी कोट करिएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने एक साइड पूरा पेंट कर लिया है। अभी सेम मुझे बाकी दूसरे तीसरे साइड पे पेंट करना है। तो उससे पहले यहाँ पे अगर कोई स्टिकर या पेपर जो लगे होते हैं वो आप निकाल लीजिए ताकि पेंट अच्छे से हो जाए। मुझे इस कॉर्नर पे साइड टेबल जैसा बनाना है। अभी ये पूरा खाली है। तो सबसे पहले मैंने एक मैट लिया है, पुराना वाला, जो मैट आपके यूज नहीं होते हो वो आप नीचे से रख सकते हैं। उसके बाद हमने जो कलर किया है आप ये देख सकते हैं, ये जो पेटी है और या टीपा है मैंने वो लिया है। अब हमें इसके ऊपर कुछ कुछ डेकोरेशंस करने हैं। अगर आप चाहें तो इस पे और पेंटिंग्स बना सकते हैं। मैं जैसे हमेशा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की चीजें बताती हूँ कि आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ग्लासेस, मिरर्स, कुछ भी इस पे लगा सकते हैं। ये डार्क कलर है तो इस पे व्हाइट कलर का आप कुछ भी काम कर सकते हैं। इसके बाद फिर मुझे मैं एक और चीज करनी है, वो है ये टेराकोटा का पॉट। मेरे पास ये रखा हुआ था, कुछ स्टोन्स डले हैं इसमें, तो मुझे इसे जस्ट इसके ऊपर प्लेस करना है। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने रख दिया। अगर आपको इसके कलर कॉम्बिनेशन में कुछ चीजें बनानी है तो आप बना सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेटिव करने के लिए, क्योंकि हमने इसे एज ए साइड टेबल बनाया है तो हमें इसके ऊपर प्लांट्स रखने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ हमें प्लांट्स कैसे रखने हैं इसके ऊपर। अब ये देख सकते हैं, ये मैंने शायद आपको पहले भी दिखाया था, ये मिट्टी का पॉट है जो हम मोस्टली खाना बनाने के लिए यूज करते हैं ना। आजकल सारे लोग मिट्टी के बर्तन प्रेफर करते हैं। तो ये जो टूट गया था तो हमने इस पे प्लांट्स लगा दिए थे। देखिए आप कितने ये अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे मनी प्लांट्स छोटे छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं, जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं या मिट्टी के बर्तन, बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने स्पेशली इंडोर प्लांट्स के लिए ये सब किया है ताकि मैं इंडोर में ऐसे पॉट के साथ रख सकूं प्लांट्स। तो अब मुझे क्या करना है, बस इसके ऊपर यहाँ पे इसे प्लेस करना है। आप अपने कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि आपके घर पे कलर कॉम्बिनेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीजें पेंट करके लगा सकते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं ये पूरा पॉट भर गया है और ये कुछ ऐसा लग रहा है। ये आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा अच्छे से भर गया है। अगर आप चाहें तो थोड़े से कलर ऐड करने हो तो आप नीचे भी रख सकते हैं प्लांट्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई मैट बिछा सकते हैं कंट्रास्ट, अगर कलर कोई आपको करना हो तो। बहुत चीजें ऐसे छोटी छोटी आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको
नीचे कुछ और प्लांट्स रख के दिखाती हूँ। जैसे ये हमने खुद ने बनाया था एक पॉट, ये भी सीमेंट का है। ये ग्लास को मैंने पेंट करके इस पे भी थोड़े से प्लांट्स लगा दिए, ये देख सकते हैं आप ऐसे छोटी छोटी चीजें यूज करके ना बहुत अच्छा सा अपना होम डेकोरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे और भी प्लांट्स रख सकते हैं। एक छोटा, अगर आपके पास और डिब्बा हो तो आप नीचे भी एक स्टैंड बना सकते हैं। ऐसे आप एक ज्यादा हाइट, एक कम हाइट, इस टाइप की चीजें देखिए ना, साइड कॉर्नर्स और जो साइड टेबल के थोड़े से स्पेस होते हैं सोफा के साइड में, आप ऐसे डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने दो बनाए थे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था, और एक ये है। तो आप जरूर ये ट्राई करिएगा क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसे भी नहीं लगते हैं और आप ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं, और आप घर पे अपने ऐसे डेकोरेशन करिए, बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैंने एक आपसे शेयर किया, अभी ये एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ साइड टेबल का। ये आप देख सकते हैं, ये पेंट की बाल्टी है, जो हमारे पेंट्स आते हैं ना, एशियन पेंट्स, ये उसकी बाल्टी है। आपको शायद बाल्टी दिख भी रही होगी। तो मैंने इसे ब्लैक कलर से किया है। इसके ऊपर एक ट्रे रखा है जो हमने सीमेंट से बनाया है, जो पॉट्स के नीचे जनरली ट्रे आते हैं ना, वो आप इसे मार्केट से परचेस कर सकते हैं। और ऊपर हमने सीमेंट से एक पॉट बनाया, उस पर भी मनी प्लांट्स लगाए। तो ये देखिए, ऐसे हमारे पास ना फ्री ऑफ कॉस्ट में दो साइड टेबल रेडी हो जाते हैं। साइड कॉर्नर टेबल आप इसे यूज कर सकते हैं, चाहे तो अगर आप मैट बिछा दे तो इस पे कोई शोपीस भी रख सकते हैं, बट मुझे प्लांट्स पसंद है तो मैं जनरली इन पे प्लांट्स रखना पसंद करती हूँ। तो आप ऐसे अपने इंडोर प्लांट्स में ना ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं रखने के लिए, स्टैंड्स, आपको मार्केट से परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो आप जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके साइड टेबल ये कैसे बने और उसमें प्लांट्स आपने कैसे अरेंज किए। सो होप ये एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।